आखिरी चैप्टर सियासत का एम फैक्टर, जिसमें बात उन मुद्दों की होगी जो कि सातवें और आखिरी चरण में के पहले ही काफी ज्यादा ट्रेंड में आ चुके हैं। और बात करेंगे 4 जून बिग डे सियासत का सुपर संडे, क्योंकि बयानबाजी आज हो रही है वो 4 जून के नतीजों पर खासा प्रभाव डालने वाली है। वहीं आपको दिखाएंगे आखिरी दौर का दंगल, किसको होगा फायदा और किसका होगा मंगल, क्योंकि अपनों को जिताने के लिए अब विपक्ष के महारथी भी मैदान में 400 सीटों पर हार का नारा लगा रहे हैं। और साथ ही बात करेंगे पूर्वांचल पर नजर, काशी सियासी सेंटर, क्योंकि सातवें चरण में वाराणसी सबसे हॉट और बिग सीट बन चुकी है। और आखिरी में आपको दिखाएंगे रिमाल से सावधान, आ रहा है तूफान, लेकिन उससे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर डाल लेते हैं। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय महाकोश रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल, माही का महाकोश। पूर्वांचल की धरती से माफिया पर पीएम मोदी का प्रहार, बोले पहले सरकारी जमीन कब्जा पर माफिया बनाते थे महल, आज योगी जी ने माफियाओं की गर्मी शांत कर दी। पीएम योगी का विपक्ष पर प्रहार, बोले देश को धर्म और जाति के आधार पर बांटने की हो रही कोशिश, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र पाकिस्तान परस्तों का घोषणा पत्र। एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कहा कि बीजेपी हमेशा बड़ा लक्ष्य लेकर चलती है, बीजेपी के 400 पार के लक्ष्य से बौखलाया विपक्ष, रात 10 बजे देखिए पूरा इंटरव्यू। पंजाब में अखिलेश यादव की जनसभा में मंच तक पहुंचा युवक, सुरक्षा घेरा तोड़कर मंच पर चढ़ने की कर रहा था कोशिश, सुरक्षा कर्मी ने युवक को दबोचा। प्रेजेंटेड बाय महाकोश रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल, माही का महाकोश। सातवें चरण के मतदान से ठीक पहले लोकसभा चुनाव की राजनीति में खास फैक्टर की काफी चर्चा हो रही है, इसे एम फैक्टर कहा जा रहा है। एम बोले तो मंदिर, मुसलमान, मंगलसूत्र, मुगल, माफिया और मुजरा, मुजरा शब्द सातवें और आखिरी चरण के पहले ट्रेंड कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में मंदिर और माफिया पर बहस छिड़ गई है, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि सियासत के आखिरी चैप्टर में कैसे एम फैक्टर अहम साबित होने वाला है। लालटेन लेकर के मुजरा करने वाली जो जमात है वे भी बिहारियों का अपमान हो रहा है और कांग्रेस के चरण चूम रहे हैं। आखिरी चरण के रण में माफिया, मंगलसूत्र और मुसलमान के बाद मुजरे पर घमासान मच गया है। पीएम मोदी पूर्वांचल फतह करने के लिए इन दिनों उत्तर प्रदेश और बिहार में ताबड़तोड़ चुनावी रैली कर रहे हैं और निशाने पर कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी और आरजेडी को ले रहे हैं। इसी बीच उनके एक बयान पर अब संग्राम छिड़ गया है। पीएम मोदी ने कहा आरजेडी लालटेन लेकर जो मुजरा करने वाली जमात है, ये बिहारियों का अपमान के बाद भी कांग्रेस के चरण चूम रही है। लालटेन लेकर के मुजरा करने वाली जो जमात है वे भी बिहारियों का अपमान हो रहा है और कांग्रेस के चरण चूम रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, कांग्रेस का जवाब मांगने को तैयार नहीं है। आरजेडी में हिम्मत नहीं कि बिहारियों के अपमान पर वो कांग्रेस को एक शब्द भी बोल पाए। पहले मंगलसूत्र का मुद्दा तो अब मुजरे वाले बयान पर विपक्षी नेताओं ने भी निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहारी गुजराती से नहीं डरता, तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पीएम मोदी के बयान पर आपत्ति जताई। ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए विपक्ष के नेताओं के लिए जो इस देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं इस्तेमाल किए होंगे। देखिए प्रधानमंत्री पद का पूरा देश आदर करता है, हम भी आदर करते हैं। आपकी आस्था, आपकी आशाएं मोदी जी से एक समय में जुड़ी हुई थी, क्या मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पद की गरिमा रखे, पद की मर्यादा रखे?
आज जिस जिस तरह से वो बोल रहे हैं, अफसोस की बात यह है बहनों और भाइयों कि इनकी असलियत दिखाई देनी लगी है। और प्रधानमंत्री जी हार रहे तो इस तरह का बयान दे रहे, आप बताओ एक 34 साल के बिहारी नौजवान को डरा रहे। बिहारी गुजराती से डरता नहीं है मोदी जी, ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। बिहारी है बिहारी, किसी से डरता नहीं है बिहारी। हमारे भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ है, डरा किसको रहे। दरअसल इन दिनों देश की सियासत में एम फैक्टर काफी सुर्खियों में है। एम मतलब मुसलमान, एम मतलब मंगलसूत्र, एम मतलब माफिया, एम मतलब मुजरा, और इन्हीं में से एक एम मतलब माफिया पर अब यूपी की सियासत गर्म हो चुकी है। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक विपक्ष को निशाने पर ले रहे हैं। जब से योगी जी आए हैं माहौल ही बदल गया, मौसम भी बदल गया। हमारे योगी जी तो अच्छे अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। अब माफियाओं की मौज खत्म हुई है, उनके महलों की जगह गरीबों के लिए घर बन रहे हैं। आजादी के बाद सर्वाधिक समय तक देश में भी और प्रदेश में शासन किया, जिन लोगों ने आपको एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया था, जिन लोगों की नीतियों के कारण यह क्षेत्र नक्सलवाद की चपेट में आया था, जिन लोगों ने आपको विकास से वंचित किया था, जिन लोगों ने आके संसाधनों पर माइनिंग माफिया को यहां पर कब्जा करने की खुली छूट दी थी। यानी जो सियासी लड़ाई पहले चरण में मंगलसूत्र से शुरू हुई थी वो मुसलमान माफिया के बाद मुजरे पर आ चुकी है, जिसमें एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ पूरा इंडिया गठबंधन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। आखिरी दौर के दंगल में जहां कमल खिलाने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता मैदान में हैं, तो वहीं अपनों को जिताने के लिए विपक्ष के महारथी भी अड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं। लेकिन इस दौर में भी बात 400 पार और 400 सीट पर हार की हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बार एनडीए को 400 पार सीटें मिलेगी, तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी 400 सीटों पर हार रही है। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आतंकियों के साथ है, तो अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वाले रोजगार पर क्यों बात नहीं करते। अब सीएम योगी ने कहा है कि इन चुनाव में विपक्ष का सफाया हो जाएगा, तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि सातवें चरण में बीजेपी साफ हो जाएगी, यानी कि आखिरी दौर में नेताओं के तेवर और क्लेवर सातवें आसमान पर पहुंच गए हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि बार 400 पार में गाजीपुर भी शामिल होगा। यूपी में आखिरी चरण का चुनाव दिग्गज नेताओं के रणनीतिक कौशल और लोकप्रियता के इम्तिहान का सबब बन रहा है। वहाँ देश का सम्मान बेचते थे, पहले चरण से गुस्सा देख रहे हैं। जय श्री राम। जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर होगा, सातवें आसमान पर। जय श्री राम। इनमें कुछ तो चुनाव मैदान के बाहर से ही दांव पेच चलकर अपनों को विजयी बनाने में जुटे हैं, तो वही मैदान के महारथी भी एड़ी चोटी जोड़ लगाए हैं। यूपी का सातवां और आखिरी चरण का चुनाव अब तक के सबसे रोचक दौर से गुजरने जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी चरण में चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम मोदी तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं, महेंद्र नाथ पांडे जीत के सिलसिले को बनाए रखना चाहते हैं, तो उधर प्रियंका गांधी, ओम प्रकाश राजभर और राजा भैया जैसे नेता भी अपनों को जिताने के लिए रणनीतिक कौशल का इम्तिहान दे रहे हैं। को नहीं छोड़ा जिसको वैक्सीन न लगवाई हो। तो अखिलेश यादव का दावा है कि सातवें चरण में बीजेपी 400 सीट हार रही है, क्योंकि जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर है। जो छठवें चरण में वोट पड़ा है, जो बौछार हुई है वोटों, सातवें में इन्हें सात समुंदर पार जनता भेज देगी भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनकी हर बात झूठी,
वादे झूठे निकले, नौजवानों को नौकरी रोजगार मिला और अन्याय की सब सीमा लांग गए। आज कांग्रेस पार्टी की गारंटी है कि नौजवानों को पहला रोजगार, पहली नौकरी पक्की मिलेगी, 1,00,000 रुपए सालाना आप बनाएंगे। आज महिलाओं के लिए ये गारंटी है कि हर महीने 8,500 रुपए आपके खाते में जाएंगे, हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला के खाते में। आंगनवाड़ी आशा बहुओं का मानदेय बढ़ाएंगे, मिड डे मील की महिलाओं का मानदेय बढ़ाएंगे। विपक्ष के दावों वादों के बीच सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट देने का मतलब भी बताया। सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस और सपा को वोट देने का मतलब है आतंकवाद को आमंत्रित करना। इस समस्या का मतलब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को आने का मतलब क्या है? इसको आने का मतलब है आतंकवाद को आमंत्रित करना। इनको आमंत्रित, इनको वोट देने का मतलब माफिया राज को हावी करना। इनको वोट देने का मतलब हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करना, गरीबों के हकों में डकैती डालना, विकास के कार्यों में बैरियर लगाना। हमें ये बैरियर और ये बाधाएं दूर करनी है और भारतीय जनता पार्टी ने 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में बखूबी इस कार्य को किया है। और इसीलिए जब पूरे देश की आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार, यानी सीएम योगी विपक्ष को वोट देने का अर्थ समझा रहे हैं तो अखिलेश यादव बीजेपी को 400 सीटों से हराने का संकल्प ले रहे हैं। इस बार 400 पार तो हो ही रहा है, इस बार 400 हारने जा रहे हैं। ऐसे में आखिरी दौर में आखिरी दौर की लड़ाई अब और दिलचस्प हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। आखिरी चरण में काशी सियासत का एपिसेंटर बन चुका है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता से लेकर केंद्रीय मंत्री तक अब वाराणसी में डेरा डाल चुके हैं और उस प्लान पर काम कर रहे हैं ताकि वोट प्रतिशत से लेकर मोदी के विजय मार्जिन को बढ़ाया जा सके। तो वहीं पीएम मोदी काशी के इर्द गिर्द वाली लोकसभा सीटों पर चुनावी प्रचार से अपने पक्ष में माहौल तैयार कर रहे हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मोदी की काशी जो सत्ता की धुरी बन गई, वो काशी जो देश की सियासत में हॉट सीट बन गई, वो काशी जो पीएम मोदी के लिए लकी सीट बन गई। काशी का कायाकल्प करने वाले प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर काशी में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के मैदान में उतर चुके हैं। पीएम मोदी काशी में वोट प्रतिशत बढ़ाने और जीत के अंतर को बढ़ाने के लिए चक्रव्यूह तैयार कर चुके हैं और काशी के इर्द गिर्द की लोकसभा सीटों को मजबूत करने के लिए रैली और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बताओ, मेरा एक काम करोगे? ऐसा नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके बताओ। अरे मेरे जिगर के टुकड़े इतने यहां है, जरा दम लगा के बोलो ना। मेरा एक काम करोगे? देखिए, हर गांव में, हर इलाके में देवस्थान होते हैं, तीर्थ स्थान होता है, आप वहां जाना, मेरी तरफ से मत्था टेकना, मोदी की तरफ से, और परमात्मा से आशीर्वाद मांगना है। मांगेंगे, मत्था टेकेंगे, मोदी के लिए आशीर्वाद नहीं चाहिए, मोदी के परिवार के लिए आशीर्वाद नहीं चाहिए, विकसित भारत बनाने के लिए आशीर्वाद चाहिए। दिल्ली की सियासत का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और उसी यूपी के पूरब में है महादेव शिव की नगरी काशी, वो वीवीआईपी सीट जो पूरब की पॉलिटिक्स का एपिसेंटर मानी जाती है। यानी जो काशी ने तय कर दिया वो समझिए हो गया। ऐसे में काशी में अब केंद्रीय मंत्रियों का जमावड़ा लग रहा है, हर घर दस्तक देने का प्लान तैयार किया गया है, वाराणसी में वोट प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है,
वहीं पीएम मोदी का फोकस विजय मार्जिन बढ़ाने पर है, साथ ही बूथ मजबूत करने का भी मकसद है। कभी कांग्रेस को सत्ता के मुकाम तक पहुंचाने वाला शहर वाराणसी आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे लकी सीट बन चुकी है। वो लगातार तीसरी बार इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और एक बार फिर पीएम ने पूरब की सियासी फिजाओं को बदल दिया है। इंडी जमात वाले राम मंदिर को अपवित्र कहते हैं, सपा के नेता राम मंदिर को जाना उसको पाखंड बताते हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूं, मुझे जवाब देंगे ना आप लोग, राम मंदिर को गाले देने वालों को पूर्वांचल में एक भी सीट मिलनी चाहिए क्या? किसी भी बूथ में उनको वोट मिलना चाहिए क्या? साथियों, इंडी जमात का अब अगला निशाना हमारे देश का पवित्र संविधान है। काशी का गणित बताता है कि यहाँ हिंदुओं की आबादी 75% है, 20% मुस्लिम है, 5% सभी अन्य धर्म के मानने वाले हैं। यानी काशी हिंदुत्व का ऐसा गढ़ रही है जहाँ की धमक का असर पूर्वांचल की कई सीटों पर होता है। मिर्जापुर, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर जैसी सीटों पर वाराणसी का रिएक्शन साफ दिखता है। यानी काशी से दिया गया संदेश एक वोटर्स की एक मास ब्रिगेड तैयार करता है, यानी ऐसी ब्रिगेड जो लहर के साथ चलती है और उसी ब्रिगेड से अब वोट प्रतिशत बढ़ाने की अपील हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।